वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, वायनाड की घटना दुखद है लेकिन केरल को पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई थी। अमित शाह ने कहा 23 जुलाई को ही केरल सरकार को चेतावनी दी थी, उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया, लोगों को पहले से क्यों नहीं हटाया गया। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी हुई है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने बयान दिया है, घटना के बाद कल से ही युद्धस्तर पर राहत बचाव का काम जारी है, कल खराब मौसम के चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरलमाला गांव में रेस्क्यू अभियान जारी, बरसते पानी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और सेना कर रही है रेस्क्यू। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायलों लोगों को विम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई गई। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केरल सीएम पी विजयन ने बैठक की, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मौजूदा स्थिति की जानकारी ली। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के राहत शिविरों का दौरा, राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। केरल के मेपाड़ी से राहत शिविर की तस्वीर सामने आई, भूस्खलन के पीड़ितों के लिए आवश्यक सामान किया जा रहा है इकट्ठा। वायनाड में भूस्खलन के बाद राज्य में दो दिन का शोक, विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। मौसम के विभाग ने केरल के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया। मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड में ऑरेंज अलर्ट, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ में येलो अलर्ट। कानून प्यार के खिलाफ नहीं, जिहाद के खिलाफ है, यूपी में लव जिहाद कानून पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा। यूपी के 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए, धवल जायसवाल बने एसपी फतेहपुर। नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग। गुलाबचंद कटारिया ने ली पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। पंजाब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को बधाई दी, कहा साथ मिलकर जनता के काम करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ाई गई। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब समेत 19 जगहों पर ईडी की रेड, फर्जी आयुष्मान आईडी कार्ड मामले में कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में दो नक्सलियों ने किया सरेंडर, दोनों पर 25 लाख का इनाम घोषित।